हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ओम नर्सिंग एकेडमी। मैं अनिल कांटीवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे साइको फार्मेकोलॉजी के बारे में। ठीक है, जो भी साइको फार्मेकोलॉजी है, साइकेट्रिक जो भी डिसऑर्डर है उनको ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग्स काम में ली जाती है हम उनके बारे में देखेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकेट्रिक की ड्रग्स है वो एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, जिसमें आप जो एंटी डिप्रेशेंट है, एंटी साइकोटिक ड्रग है, या फिर उसमें बेंजोडाइजीपाइन है उससे भी पूछ लेते हैं, और मूड स्टेबिलाइजर जैसे ये अपना लिथियम है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो ये सभी ड्रग्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे जितने भी, तो उसमें आपको ये जो भी ड्रग्स है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो भी साइकोफार्मेकोलॉजी है मैंने इसको दो पार्ट में बनाया, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, क्योंकि अगर दोनों को एक ही पार्ट में बनाऊँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इनको अलग अलग दो पार्ट में बनाया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। ये पार्ट फर्स्ट है, हम इसमें एंटी साइकोटिक और एंटी डिप्रेशेंट ड्रग है वो देखेंगे, बाकी के जितने भी ड्रग्स है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि नर्सिंग ऑफिसर कोर्स है वो अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे। ओम नर्सिंग एकेडमी हमारी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स भी मिलेगा, जिसमें आपको PDF, टेस्ट और वीडियो लेक्चर वो देखने को मिलेंगे। कोर्स सिर्फ 699 रुपये में है एक साल के लिए। ठीक है, एक साल के लिए, जिसमें आपको PDF, मेगा टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, नॉन नर्सिंग पार्ट और वीडियो लेक्चर वो भी मिल जाएंगे। तो अभी हम अपना वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन में देखिए, साइकोफार्मेकोलॉजी में उन ड्रग्स की स्टडी की जाती है जिनका उपयोग हम किसमें करते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने में। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोट्रोपिक ड्रग। साइकोट्रोपिक ड्रग ये क्या है, ऐसी ड्रग जो साइकिक फंक्शन, बिहेवियर और एक्सपीरियंस को क्या करे, अफेक्ट करे, उसको हम क्या किस ड्रग के नाम से जानते हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग या साइको एक्टिव ड्रग। ठीक है, अब नेक्स्ट में इंपॉर्टेंस में बात करता हूँ, क्लासिफिकेशन। जो क्वेश्चन आएंगे वो आगे उन्हीं से आएंगे। तो इसमें फर्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेशन ड्रग, एंजियोलाइटिक ड्रग, मूड स्टेबिलाइजर ड्रग और मिसलेनियस ड्रग्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एंटी साइकोटिक और एंटी डिप्रेशन ड्रग। जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम उसमें देखेंगे एंजाइटी, मूड स्टेबिलाइजर और मिसलेनियस ड्रग। ठीक है, ये सभी ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। आप अगर पीछे के पेपर देखोगे तो आपको उसमें सभी से क्वेश्चन मिलेगा, ये इसके जो भी हर एक लाइन है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स किसे कहते हैं, देखिए एंटी साइकोटिक ड्रग्स को हम मेजर ट्रैंक्विलाइजर के नाम से भी जानते हैं, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर के नाम से भी हम जानते हैं इसको, और एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन रहा है न्यूरोलेप्टिक के नाम से भी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेजर ट्रैंक्विलाइजर के नाम से भी जान सकते हैं, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर के नाम से भी हम इसमें पूछ सकते हैं, एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग्स है वो भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज, इसका यूज है जो भी थॉट प्रोसेस है, साइकोटिक सिम्टम जैसे सिजोफ्रेनिया वाले क्लाइंट है उनको ट्रीट करने के लिए एंटी साइकोटिक ड्रग को काम में लिया जाता है। ठीक है, इनका जो भी अदर नाम है उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, किस काम में लेते हैं उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें इंडिकेशन। इंडिकेशन में मैंने बताया जो भी थॉट प्रोसेस वाले जैसे सिजोफ्रेनिया है उसके लिए। अब ये एक्शन कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन, तो अभी इसमें देखिए एंटी डोपामिनर्जिक की तरह ये कार्य करता है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया इसको, D2 रिसेप्टर डोपामिन ब्लॉकर। ठीक है, जो भी CNS है उसमें डोपामिन रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक करने का काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या, कौन से ड्रग्स के नाम से जानते हैं, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स। ठीक है, क्योंकि इसका मोड ऑफ एक्शन यही है। ठीक है, समझ गए। अब कोई पूछ ले कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स कैसे काम करती है तो आपको यही बताना है। इसमें नेक्स्ट देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन से केस में आपको कॉन्ट्रा इंडिकेट करोगे कि निषेध है, कौन से केस में आपको काम में नहीं लेना है। अंडर 3 ईयर चाइल्ड्रेन, जो भी 3 साल से छोटे बच्चे हैं उसको आप नहीं दोगे एंटी साइकोटिक ड्रग। बोन मेरो डिप्रेशन और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन वाले केस में जो भी एंटी साइकोटिक ड्रग है ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये। इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम
क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग, जो भी एंटी साइकोटिक ड्रग है उसके क्लासिफिकेशन में उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया उसके बारे में। तो मेनली जो भी एंटी साइकोटिक ड्रग है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट देखिए टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग के नाम से जानते हैं। सेकेंड है एटिपिकल और नोवेल एंटी साइकोटिक ड्रग, जिसको हम सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट हम बात करेंगे टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं, जो इफेक्टिव है किसके लिए, पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, जो भी सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम है जैसे हेलुसिनेशन है, अग्रेशन है और डिल्यूजन है, उसके लिए वो क्या है, कारगर है। ठीक है, ये जो भी टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स है उसके अंदर कौन सी ड्रग्स को इंक्लूड किया गया है, तो उसमें देखिए सबसे पहले क्लोरप्रोमाजिन, जो फिनोथाइजिन ग्रुप की है। और ये यहाँ पे एक नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट बात है, क्लोरप्रोमाजिन है ये फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग्स कौन सी थी, वो थी क्लोरप्रोमाजिन। ठीक है, नेक्स्ट है हैलोपेरिडोल, ट्राइफ्लोरोपेराजिन, लोग्जापाइन, पिमोजाइड और थायोजिन। ठीक है, ये क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग, कौन सी, फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग या टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग। ठीक, किसके लिए काम में लेते हैं, पॉजिटिव सिम्टम ऑफ जो भी सिजोफ्रेनिया है उसके ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं, जैसे हेलुसिनेशन है, एग्रेशन है, डिल्यूजन है, इस वाले केस को ट्रीट करने के लिए हम टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स है उनको काम में लेंगे। ठीक है, समझ गए, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग, जो कौन सी जनरेशन की है, सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स है। ठीक है, तो इसका यूज हम किस में करेंगे, वहां तो हम पॉजिटिव सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए कर रहे थे, यहाँ पे जो भी नेगेटिव सिम्टम्स है सिजोफ्रेनिया के उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, ये ड्रग्स नेगेटिव सिम्टम है जो भी सिजोफ्रेनिया के उसके लिए कारगर है, जैसे एपेथी है, एलोजिया है, एलोजिया किसे बोल देंगे, पुअर्टी ऑफ स्पीच। ठीक है, उसके लिए क्या है, कारगर है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कौन सी ड्रग्स है जो भी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में आती है, जैसे अरीपिपराजोल है, क्लोजापाइन है, ओलंजापाइन है, रिजरपेरिडोन और जिप्राशिडोन, ये क्या है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे अब साइड इफेक्ट, जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उनके साइड इफेक्ट, तो इसमें देखिए अगर लंबे समय तक एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहे हैं तो उससे के कारण से क्या देखने को मिल सकता है, ईपीएस, ईपीएस मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। समझ गए, अगर कोई भी क्लाइंट है वो लंबे समय तक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहा है तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है, ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। हम बात करेंगे ये कि ईपीएस क्या होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है ये क्या है, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकाथीसिया, जो भी 50% केसेस है उसमें आपको एकाथीसिया देखने को मिलेगा ईपीएस वाले कंडीशन में, जिसमें क्या होता है जो भी पेशेंट है वो शांति से नहीं रह पाता, शांति से नहीं बैठ पाता, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, वॉकिंग एंड टॉकिंग के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है, एकाथीसिया। ठीक, नेक्स्ट है स्यूडो पार्किंसोनिज्म, तो स्यूडो पार्किंसोनिज्म है इसमें पार्किंसन डिजीज जैसे आपको जो भी सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल फीचर वो देखने को मिलते हैं, जैसे रिजिडिटी, ट्रेमर्स, ड्रूलिंग, वीकनेस एंड फेटिक, ये आपको पार्किंसोनिज्म में देखने को मिलती है। पार्किंसोनिज्म में क्या होता है वो आपको सीएनएस में मैंने बताया था, डोपामिन की कमी से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूट डिस्टोनिया, एक्यूट डिस्टोनिया क्या होता है, डिस्टोनिया होता है जो भी मसल्स है उसके अंदर आपको कॉन्ट्रेक्शन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे स्पाज में नेक है, स्पाज आपको जाव में देखने को मिलेगा, टंग में देखने को मिलेगा, आपको ओकुलोगाइसिस क्राइसिस है वो देखने को मिलेगी, जिसके अंदर क्या होता है जो भी आई है वो पीछे की तरफ क्या होनी है, मुड़ने लगती है। ठीक है, ये क्या है, ओकुलोगाइरिक क्राइसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे टार्डिव डिसकाइनेसिया, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इनवॉल्यूंट्री स्टेरियोटाइप मूवमेंट्स वो देखने को मिलती है, जैसे प्रोट्रूजन ऑफ टंग और च्यूमिंग मूवमेंट, जैसे जो जीभ है वो बाहर निकाल के रखना और जो भी चबाने वाले जो भी मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या देखने को मिलता है, वो मिलता है एकानेसिया, मतलब मस्कुलर वीकनेस है वो देखने को मिलती है, ये किस में देखने को मिलेंगे आपको, ईपीएस में।
ठीक है। और नोट लगा के आगे एक बात है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम यह मुख्यतः कौन सी ड्रग्स के कारण से होते हैं, वो होते हैं हेलोपेरिडोल और फ्लुंजर पैन के साइड इफेक्ट है। तो हेलोपेरिडोल भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, एंटीसाइटिक, मतलब ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है जिसके कारण से ईपीएस होता है, तो वो कौन से होगा, हेलोपेरिडोल और फ्लुफेनाजाइन। ठीक है। नेक्स्ट है एंटीकोलेजेनिक, जो भी बेंजोस्टोपिन है उसका यूज किया जाता है किसको, ईपीएस को ट्रीट करने के लिए, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग्स को काम में लेते हैं, बेंजोस्टोपिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इस पेज में पूरा ईपीएस आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नोट लगा के मैंने कुछ बातें लिखी हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में। तो इसमें देखिए, जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग है उनको लेने से पहले कभी भी एंटासिड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी एंटासिड है वो क्या करती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। ठीक है, एंटासिड क्या करती है, कम कर देती है किसको, जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग है उसके एब्जॉर्प्शन को वो क्या कर देती है, कम कर देती है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के दौरान कभी भी क्लाइंट को एल्कोहल, स्मोकिंग, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स का यूज है वो नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये भी इस ड्रग्स के, जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग है उसके इफेक्ट को क्या करती है, कम कर देती है। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, जो भी क्लोजापाइन है इसका मेजर साइड इफेक्ट है क्या, है ग्रेनुलोसाइटोसिस, WBC है, न्यूट्रोफिल्स है, वो आपको उसमें क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी, यानी वो बनना ही बंद हो जाएगी, यानी फॉर्मेशन ऑफ WBC और जो न्यूट्रोफिल्स है वो बनना ही बंद हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रेनुलोसाइटोसिस। ठीक है, इसलिए समय समय पर क्लाइंट का CBC करवाना चाहिए, जो भी ब्लड काउंट है वो करवाना चाहिए। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर कोई भी क्लाइंट है वो क्लोरप्रोमाजीन है या थायोरिडाजीन है, क्लोजापाइन है, उसको काम में ले रहा है, तो उसके क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगर कोई भी क्लाइंट है क्लोरप्रामाजीन ले रहा है, क्लोजापाइन ले रहा है, तो उसके अंदर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है वो भी देखने को मिल सकता है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में। अब हम देखेंगे एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के बारे में, इंपॉर्टेंट है इसमें देखिए, पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो भी ड्रग्स है हम इसको किस नाम से जानते हैं, मूड इलेवेटर, क्योंकि ये मूड को इलेवेट करती है, एंटी डिप्रेसेंट है। डिप्रेशन में क्या होता है कि जो भी क्लाइंट है उसका मूड क्या होता है, डिप्रेसिव होता है। ठीक है, डिप्रेसिव मूड होता है, लेकिन ये ड्रग्स क्या करती है, उसके मूड को इलेवेशन करती है, मूड को इलेवेट करती है, इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, मूड इलेवेटर के नाम से जानते हैं, इसको थाइमोलेप्टिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जिसका यूज किस में करते हैं, डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर किया जाता है। इसमें नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन रहा है, जो भी सबसे पहली एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है वो कौन सी थी, इमिप्रामाइन। इमिप्रामाइन ये सबसे पहले खोजी गई जो भी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है, जिसे वो किसने खोजा था, थॉमस कोन ने, ठीक है, 1958 में। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशन के बारे में, सभी प्रकार के डिप्रेशन और ग्रीफ में इसको लिया जाता है, किसको, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म, तो ये ड्रग्स कैसे काम करती है, ये ड्रग्स ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन और जो भी नॉरएपिनेफ्रिन है उसके न्यूरोट्रांसमीटर है उनके लेवल को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जिससे मूड इलेवेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, मूड इलेवेशन होता है, क्योंकि अपने ब्रेन के अंदर जो भी सेरोटोनिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है उसका लेवल वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण मूड इलेवेशन वो देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें क्लासिफिकेशन के बारे में, जो भी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स है हम वो देखेंगे। फर्स्ट सबसे पहले बात करेंगे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, जिसको हम मोनोएमाइन रीअपटेक इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, अमीट्रीपिटिलिन, इमिप्रामाइन और क्लोमिप्रामाइन। ठीक, इसमें ये ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिनको SSRI के नाम से भी जानते हैं, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिए ये ड्रग क्या क्या करती है, जो भी सेरोटोनिन रीअपटेक है उसको रोकने का काम करती है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इनहिबिटर, मतलब रोकने का काम कर रही है, जो भी सेरोटोनिन रीअपटेक है उसको इनहिबिट कर रही है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो भी सेरोटोनिन का लेवल है सिनेप्स में क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है,
जो पेशेंट में मूड एलिवेशन का काम करता है। नेक्स्ट है, यह सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली एंटी डिप्रेशन ड्रग है, जो भी SSRI है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। यह सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली जो भी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखेंगे ड्रग्स कौन कौन सी आएगी इसमें। इसके अंदर आते हैं फ्लोक्जेटीन और फ्लोक्जामाइन, सेटालिन, सिटालोप्राम और एसिटालोप्राम। ये किसमें आती है? SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसे नोट कर लेना। जो भी फ्लोक्जेक्टिन है, फ्लो इंजेक्टिन है, इसको हम ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस किस में? OCD, ऑब्सेसिव कन्वल्सिव डिसऑर्डर में और फोबिया में, फोबिया में, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, इसके अंदर भी इसको ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है। ठीक है, आप इसको देखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्लुएजेक्टिन ड्रग ऑफ चॉइस है OCD में, फोबिया में, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे अब जो भी थर्ड थर्ड है वो कौन सी है? मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये भी क्या है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, जिसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है? आइसो कार्बोक्साइड और फिनेलजाइन। ठीक है, ये क्या है? मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स। ठीक है, तो ये क्या थी? ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग थी। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, साइकोफार्मेकोलॉजी का पार्ट सेकंड होगा, उसमें हम देखेंगे एंजियोलाइटिक ड्रग्स, जिसमें हम बेंजोडाइजेपाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, मूड स्टेबिलाईजर ड्रग्स, जिसके अंदर हम लिथियम कार्बोनेट के बारे में देखेंगे, कुछ मिसलेनियस ड्रग्स है जैसे डाइसल्फिराम है, उनके बारे में देखेंगे। तो जो भी पार्ट टू होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पार्ट फर्स्ट था, ठीक है, जिसमें हमने एंटी साइकोटिक ड्रग्स देख ली और एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है वो देख ली। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में हम ये कंटेंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये था साइकोफार्मेकोलॉजी का पार्ट फर्स्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप 699 रुपये में हमारा कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन पे 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, जहाँ पे आपको नर्सिंग ऑफिसर कोर्स में PDF प्लस टेस्ट प्लस वीडियो लेक्चर वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, PDF मिल जाएगी आपको, मेगा टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, नॉन नर्सिंग पार्ट है वो भी मिलेगा, और वीडियो लेक्चर से वो देखने को मिलेंगे सिर्फ 699 रुपये में, वो भी 1 साल के लिए। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, आप वहां से जाइए, एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ठीक है, वहां पे आपका जो भी कोर्स है उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स मिल जाएगा आपको, CHO का कोर्स है वो भी मिल जाएगा। ठीक, फिलहाल के लिए इतना ही। ओप नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।